हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागोड़ा में पुलिस ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की सतर्कता को लेकर निकाला रूट मार्च। नो मास्क नो एंट्री व सोशल डिस्टेंस की दी ग्रामीणों को हिदायत। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को पुलिस ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जगहों पर होकर पैदल रूट मार्च निकाला और सरकारी गाइडलाइन की पालना के लिए चेतावनी दी गई। थाना अधिकारी छत्तर सिंह देवड़ा के नेतृत्व में सहायक पुलिस उप निरीक्षक बहादुर खां मय जाप्ता ने कस्बे के जलदाय विभाग, जी नगर मोहल्ले, भीनमाल तिराहा, बस स्टैंड मार्ग, सायला सर्कल, बस स्टैंड परिसर, सिंधरी चौराहा, जैन चौहटा, SBI बैंक मार्ग होकर पुलिस थाना तक COVID-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की सतर्कता बरतने में लोगों को जागरूक करने के लिए पैदल रूट मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस निरीक्षक छत्तर सिंह व सहायक उप निरीक्षक बहादुर खां ने दुकानदार व आम जन को अलाउंस के जरिए चेतावनी दी कि कोरोना की तीसरी लहर घातक है और सरकार ने इसके बचाव में गाइडलाइन जारी कर रखी है। कोई भी महिला, पुरुष या बच्चों को बिना मास्क के घर से निकलना नहीं है और सोशल डिस्टेंस की भी पालना करनी होगी। सरकार के निर्देश की अवहेलना करने पाए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दुकानदारों व वाहन चालकों को आवागमन में मास्क पहने हुए होना जरूरी है और दुकानों पर सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों को भी बिना मास्क सामान नहीं देंगे, ताकि इस COVID-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क मिलने पर 1,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। रूट मार्च में पुलिस निरीक्षक छत्तर सिंह देवड़ा, सहायक उप निरीक्षक बहादुर खां, हेड कांस्टेबल भव सिंह, राजू राम, खेता राम, सेवा राम, कांस्टेबल भागीरथ राम, पारसा राम, थाना राम, उम्मेद सिंह चालक, कृष्ण कुमार सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। जागरूक टीवी के बागोड़ा से रिडमल दान राफ की रिपोर्ट।